ऊपर वाला आंखें सबको देता है, नजर किसी किसी को, दिमाग सबको देता है, समझ किसी किसी को। ये जो आंखें और नजर, दिमाग और समझ के बीच का जो अंतर है, ये शिक्षा से बढ़ता है। खिड़की है जो खोलो तो दुनिया को देखने का आपका नजरिया बदल जाता है, उसमें बहुत से सवालों के जवाब मिल जाते हैं। तारे क्यों टूटते हैं से लेके अपने क्यों छूटते हैं, आदमी जब पेड़ से उतरा, गुफा से निकला, उसने आसपास देखा, सवाल पूछे, उनके जवाब तलाशे, ताकि सिर्फ इंसान की नहीं पशु पक्षियों की जिंदगी भी बेहतर बन सके। शिक्षा तो हमें चांद पे ले गई, लेकिन हमने इसे सिर्फ एक कमाई का जरिया बना रखा है। शिक्षा भगवान से हमारी टक्कर है, क्योंकि वो चाहता था कि हम उसे टक्कर दें। उसने कोई मैनुअल देकर हमें धरती पर नहीं भेजा था, हमने करके सीखा है। सेब को गिरता हुआ देखकर ग्रेविटी सीखी है, और पानी में डूबते हुए जहाज के तैरने का विज्ञान खोजा है। ये सीखो कि सीखना कैसे है, सोचना कैसे है, मुश्किलों का हल कैसे ढूंढ रहा है। और कोई भी बड़ी चीज तुरंत हासिल नहीं हो जाती, उसके लिए लगन और मेहनत जरूरी है। हमारा देश स्वतंत्र है, मजबूत है, पर इसे और अच्छा बनाने का काम कुछ गिने चुने लोगों का ही नहीं है, हम सबका है। तो हमें देश और समाज के प्रति अपना काम सही से करना होगा, और अपना काम सही से करने के लिए शिक्षित होना जरूरी है। तो पते की बात यो है कि शिक्षा ज्ञान के बिना और ज्ञान अनुभव के बिना अधूरा है। दोनों मिलेंगे तभी देश का भला होगा, वरना तो घर में छोड़ने लाख इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रखी हो, घर का पंखा पास की दुकान का पप्पू मिस्त्री ही ठीक करेगा। जो राजनीतिक सोना है, जो तो एक शुरुआत है शिक्षा की। शिक्षा वो नदी है जिसमें कूदकर मेरे जैसा रंगा सियार भी इंसान बढ़ जाता है। और मैं गंगाराम चौधरी आपको और आपके बच्चों को ये शिक्षा मुफ्त में दूंगा। कोई चुनावी मुद्दा नहीं था तो शिक्षा को ही मुद्दा बना लिया।